बांसवाड़ा एसीबी टीम ने मंगलवार सुबह कार्यवाही करते हुए राज तालाब चौकी के एक कांस्टेबल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एक परिवाद की जांच के मामले में मदद करने के लिए परिवादी से 8,000 रुपए की राशि स्वीकार की। एसीबी के एडिशनल एसपी माधव सिंह सोढ़ा और उनकी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा एसीबी के एडिशनल एसपी माधव सिंह सोढ़ा ने बताया कि राज तालाब निवासी राजा ने 7 मार्च को शिकायत की थी। इसमें पीड़ित ने बताया कि एक महिला श्रीमती अंजुम ने उसके खिलाफ एक परिवाद दिया था। इस परिवाद की जांच राज तालाब चौकी के कांस्टेबल जगपाल सिंह के पास है। जगपाल सिंह इस मामले में मदद करने के लिए 10,000 रुपए की मांग कर रहा है, जिस पर जांच सत्यापन कराया गया। इस दौरान सौदा 8,000 रुपए में तय हुआ। कि उनके विरुद्ध एक कोतवाली में एक महिला ने रिपोर्ट दी है उनको धमकी देने की और इस तरह की, तो उसकी जांच है वो राजतालाब चौकी में कांस्टेबल जगपाल सिंह को दी थी। तो ये जगपाल सिंह ने परिवादी से 10,000 रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने कल हमारे यहाँ आके की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर सत्यापन कराया तो 8,000 रुपये रिश्वत लेने के लिए मांग की। आज उसको 8,000 रुपये रिश्वत लेने पर रंगे हाथों दस्तियाब किया, कार्रवाई कर। सर कहाँ से गिरफ्तार किया उसे? इसे कोतवाली वाली गली में वहाँ इंटरप्ट करके वहाँ से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में प्रदेश का बजट पेश किया गया है। बांसवाड़ा जिले से इस चौकी को थाने के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। ऐसे में क्रमोन्नत होने से ठीक पहले एसीबी की कार्यवाही ने यहां की पोल खोल दी है। अब देखना यह होगा कि जगपाल ने यह राशि किसके कहने पर और किस किस के लिए ली है। टाइम 8 राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। बांसवाड़ा एसीबी टीम ने मंगलवार सुबह कार्यवाही करते हुए राज तालाब चौकी के एक कांस्टेबल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एक परिवाद की जांच के मामले में मदद करने के लिए परिवादी से 8,000 रुपए की राशि स्वीकार की। एसीबी के एडिशनल एसपी माधव सिंह सोढ़ा और उनकी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा एसीबी के एडिशनल एसपी माधव सिंह सोढ़ा ने बताया कि राज तालाब निवासी राजा ने 7 मार्च को शिकायत की थी। इसमें पीड़ित ने बताया कि एक महिला श्रीमती अंजुम ने उसके खिलाफ एक परिवाद दिया था। इस परिवाद की जांच राज तालाब चौकी के कांस्टेबल जगपाल सिंह के पास है। जगपाल सिंह इस मामले में मदद करने के लिए 10,000 रुपए की मांग कर रहा है, जिस पर जांच सत्यापन कराया गया। इस दौरान सौदा 8,000 रुपए में तय हुआ। कि उनके विरुद्ध एक कोतवाली में एक महिला ने रिपोर्ट दी है उनको धमकी देने की और इस तरह की, तो उसकी जांच है वो राजतालाब चौकी में कांस्टेबल जगपाल सिंह को दी थी। तो ये जगपाल सिंह ने परिवादी से 10,000 रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने कल हमारे यहाँ आके की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर सत्यापन कराया तो 8,000 रुपये रिश्वत लेने के लिए मांग की। आज उसको 8,000 रुपये रिश्वत लेने पर रंगे हाथों दस्तियाब किया, कार्रवाई कर। सर कहाँ से गिरफ्तार किया उसे? इसे कोतवाली वाली गली में वहाँ इंटरप्ट करके वहाँ से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में प्रदेश का बजट पेश किया गया है। बांसवाड़ा जिले से इस चौकी को थाने के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। ऐसे में क्रमोन्नत होने से ठीक पहले एसीबी की कार्यवाही ने यहां की पोल खोल दी है। अब देखना यह होगा कि जगपाल ने यह राशि किसके कहने पर और किस किस के लिए ली है। टाइम 8 राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम 8 राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।